नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। तो आज हम अपनी हिंदी क्लास में क्या सीखेंगे? आज हम अपनी हिंदी क्लास में एक नया व्यंजन सीखेंगे, अंगा। कौन सा व्यंजन सीखेंगे? अंगा। चलिए शुरू करें। ये कौन सा व्यंजन है? ये है अंगा। चलिए इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपको दूसरी लाइन से अंगा बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? छोटी सी डंडी, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर आपको एक कर्व बनाना है ऐसे तीसरी लाइन तक। फिर आपको इस कर्व को आगे ले जाते हुए एक और कर्व बनाना है ऐसे। फिर आपको तीसरी लाइन पर एक बिंदु बनाना है, जिसे हम बोलते हैं डॉट। अब आपको इस डंडी के ऊपर एक डंडी बनानी है, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और ये हमारा क्या बन गया? अंगा। चलिए इसे फिर बनाते हैं। आपको अंगा जो है वो दूसरी लाइन से बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आप एक डंडी खींचेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर आपको एक कर्व बनाना है तीसरी लाइन तक ऐसे। फिर आपको इस कर्व को आगे ले जाते हुए एक और कर्व बनाना है ऐसे। अब आपको तीसरी लाइन पर एक बिंदु बनाना है, जिसे हम बोलते हैं डॉट। अब आपको इस स्टैंडिंग लाइन पर एक डंडी खींचनी है, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और ये हमारा क्या बन गया? अंगा। चलिए इसे फिर बनाएं। दूसरी लाइन से आपको एक डंडी बनानी है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर आपको एक कर्व बनाना है तीसरी लाइन तक ऐसे। फिर इस कर्व को आगे ले जाते हुए आपको एक और कर्व बनाना है ऐसे। अब आपको तीसरी लाइन पर एक डॉट बनाना है, जिसे ऐसे। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक और डंडी बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। तो बच्चों ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया व्यंजन अंगा। तो बच्चों अब आपको अंगा बनाना अपने घर में सीखना है।